यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको विदेशी दंपतियों को देने की मातृछाया को अनुमति मिल गई है। जी यहाँ कितने दंपतियों ने आवेदन दिया है और क्या है इसकी प्रोसेस? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सेवा भारती मातृछाया एकमात्र मध्य प्रदेश में रीपा है जो विदेशी दत्तक ग्रहण या अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त संस्था है और ये रजिस्ट्रेशन हमारा 2012 में ही हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमारे पास कारा जो है डोजियर भेजती है। इस प्रकार से हमें 13 ऑनलाइन डोजियर प्राप्त हुए हैं जिसमें परिवार की पूरी जानकारी, फोटो, उनके आय से संबंधित रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और देश से संबंधित के जो भी बच्चा आएगा उसको हम सहमति से स्वीकार करेंगे, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाते हुए चेकलिस्ट के अनुसार ऑनलाइन डोजियर आता है। उसके बाद उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम बच्चा सेलेक्ट करवाते हैं। देन फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण सारा की मदद लेते हैं, सारा के पास संतुति पत्र लेते हैं, फिर कारा से एनओसी लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में केस लगाते हैं और उसके बाद प्रक्रिया का जब पूरा आदेश प्राप्त होता है तो प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें अभी मातृछाया में कितने लोगों के आवेदन आए हुए हैं? 13 आवेदन है। कौन कौन से देश से हैं कुछ? हमारे पास आवेदन है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इसके अलावा स्पेन से, दुबई से और फिनलैंड से, काफी सारे अलग अलग जगहों से आवेदन है। 13 आवेदन आए हुए जी हैं। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनुराग पांडे, मैं इंटरनेशनल अडॉप्शन के लिए कोऑर्डिनेटर हूँ और नेशनल अडॉप्शन के लिए कंसल्टेंट हूँ।